Hello student, welcome you all. I am Pawan. Today we will discuss algebra 3. So in this class we discuss the topic AP series, GP series and functions. So in earlier class when we talk about algebra part 1, in which we cover linear equation, third indices and algebraic identities. जिन बच्चों ने अल्जेब्रा 1 अभी तक नहीं बैठे पढ़ा तो मेरी आपके एडवाइस है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा यूट्यूब का लिंक, तो आप बेटे उसको देख लेना एक बार. इन सेकंड क्लास अल्जेब्रा पार्ट 2 इन विच वी कवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का भी बेटे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो उस वीडियो को. सो टुडे वी विल डिस्कस अल्जेब्रा पार्ट 3 जिसमें बेटे हमने कवर करना है एपी सीरीज, जीपी सीरीज और फंक्शंस. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एपी सीरीज. सो एपी सीरीज होती क्या है, सबसे पहले बेटे मैं ये बता दूं कि होता है क्या कि जिसमें बेटे एक सीरीज चल रही होती है जिसमें डिफरेंस बेटे क्या होता है, सेम होता है बेटे. क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सिंपल देखो मेरे पास एक नंबर है, जैसे ये देखो मैं सीरीज लिखता हूं 3 5 7 9 11. अब देखो कि ये सीरीज चल रही थी, है तो भी सारे के सारे ये ओड नंबर चल रहे हैं भाई. क्लियर? अब अगर मैं ये भी लिख दूं स्टार्टिंग में 1 भी लिख दूं, तो मैंने एक ओड नंबर की सीरीज लिखी है स्टार्टिंग फ्रॉम कहां, 1 से. अब देखो ये जो सीरीज चल रही है इसमें देखो हर एक नंबर का आपस में बेटे कितने का डिफरेंस है बेटे, सभी में 2 का बेटे डिफरेंस सेम चल रहा है. तो वो सारी सीरीज एपी सीरीज होंगी कि जिनमें उनके नेक्स्ट डिजिट का उसके प्रीवियस डिजिट के साथ डिफरेंस क्या हो भाई, सेम हो जब तक सीरीज का एंड नंबर तक काउंट नहीं होता. क्लियर है? तो एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बताता हूं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होती है एपी सीरीज की. सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे एपी सीरीज, आपको बेटे बताता हूं. एपी स्टैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऑल्सो इजी टॉपिक है, सभी को पता होगा एपी स्टैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लिखते जाओ बच्चे साथ-साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके बेटे, इसके मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन लिखता हूं. जैसे देखो स्टार्टिंग ऑफ सीरीज जो पहली टर्म होती है उसको बेटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है. अब देखो भाई जो नेक्स्ट टर्म होगी ए में कुछ ना कुछ बेटे ऐड हुआ होगा, जैसे कोई डी है वो कुछ ए में ऐड होके अगली टर्म बन गई, ठीक है. और डी ही मेरा बेटे अब कॉमन डिफरेंस है, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे जो डिफरेंस आएगा, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे जो डिफरेंस होगा, वो रिमेनिंग क्या रहना चाहिए बेटे, ऑलवेज सेम होना चाहिए. देन थर्ड टर्म बेटे क्या होगी, ए प्लस 2d. फोर्थ टर्म बेटे क्या होगी, ए प्लस 3d. अब देखो बेटे मैं एक चीज यहां पे बताता हूं लास्ट टर्म लिखने से पहले, जोन सी भी बेटे टर्म, जैसे लेट्स सपोज सेकंड टर्म थी इसमें कितने d है, इसमें 1d है. क्लियर है? थर्ड टर्म थी तो बेटे इसमें क्या था, 2d था, जैसे ए तो बेटे आने आना है. फोर्थ टर्म थी तो बेटे कितने d थे, जैसे मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं 4 - 1 करके बेटे वो कौन सी हुई, थर्ड टर्म है. इसी तरह सो ऑन. मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टर्म लिखनी थी, तो लास्ट टर्म मींस की nth टर्म, nth टर्म बेटे क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इनटू बच्चे क्या, d. जैसे बेटे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बेटे क्या लिखी, a प्लस 3 - 1 इनटू d करोगे, तो 3 - 1 बेटे क्या बनता है, 2. तो क्लियर है? इसमें बेटे मैं थोड़ा लिख देता हूं कि जो आपका a है, a बेटे होता आपका फर्स्ट टर्म, साथ-साथ बेटे लिखते जाओ, मैंने अरेज कर देना बाद में, अगर नहीं लिखा होगा तो बेटे वीडियो पॉज करके आप लिख भी लेना. क्लियर? सो डी, डी बेटे होता है कॉमन डिफरेंस, डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस. कैसे बेटे, आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपको बेटे डिफरेंस क्या नजर आएगा, देखो मैं अभी बताता हूं. जैसे a प्लस डी माइनस डी बेटे करते हो, सॉरी माइनस ए बेटे करते हो, तो ये कट हो के बेटे क्या बचा सिर्फ आपके पास, डी. कोई बच्चा कहता नहीं सर फोर्थ माइनस थर्ड कर दो, देखो कोई इशू नहीं है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, देखना बेटे फोर्थ टर्म थी बेटे मेरे पास ए प्लस 3d माइनस थर्ड टर्म थी ए माइनस 2d. माइनस बेटे क्यों लगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के क्या था, माइनस था, तो आपको पता ब्रैकेट जब ओपन होते साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं. देखो बेटे a से बेटे a कट, 3d में से 2d का बेटे क्या बचा, d. तो अगर मुझे पता लग गया कि हां भी हर एक टर्म्स का पिछली वाली टर्म के साथ और अगली वाली टर्म के साथ डिफरेंस बेटे क्या है, सेम है,
तो मेरी सीरीज बेटे कौन सी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। क्लियर है, ये तो हो गया ये। अब देखो लास्ट टर्म, उसको बेटे टी एन से भी लिख सकते हो, एन एल टर्म भी बोल सकते हो और एल भी बेटे लिख सकते हो। और क्या होगा बेटे, वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बेटे। क्लियर है, मैं एन बेटे लिख देता हूं यहां पे। एन बेटे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन बच्चे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उस सीरीज में जितनी टर्म्स हैं वो बेटे आप एन से डोनेट करोगे। जैसे लेट्स सपोज 15 16 19 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू वही हो जाएगी 15 16 19 बेटे जो भी होगा। अब देखो भाई, हमने बेटे एन टर्म का फॉर्मूला भी लिख लिया, हमें फर्स्ट टर्म भी पता लगी भी, एक कॉमन डिफरेंस भी बेटे फाइंड करना आ गया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। इसी तरह बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स की 15 टर्म्स हैं, चाहे 19 टर्म्स है, चाहे 80 है, इन सभी का सम कैसे निकालना है। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स का बेटे फॉर्मूला है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बच्चे डी। ये बेटे है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला निकालने का, एन बाय टू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच्चे। एक इसका फॉर्मूला और होता है बेटे, कि जब मुझे बेटे ये पता है कि इसकी मुझे फर्स्ट टर्म भी पता थी और मुझे बेटे लास्ट टर्म भी पता थी, तो आपको बेटे इतना करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपने क्या करना है, मैं इस साइड बेटे लिख देता हूं, वो होता है एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बेटे। क्लियर है, तो ये थे बेटे आपके एपी सीरीज के कुछ फॉर्मूले। अब देखो सम का फॉर्मूला बेटे मैंने बता दिया आपको, एन टर्म का फॉर्मूला भी बता दिया। थोड़ा सा बेटे आपको बताता हूं, कई बार ना आपसे ऐसा पूछा होता है, उसने देखना भी, हमने एवरेज बेटे टॉपिक करा था। एवरेज टॉपिक में क्या होता है, एवरेज का दूसरा नाम बेटे क्या होता है, मीन वैल्यू। हम कहते हैं कि भाई हमें मीन बता, भी ए बी का मीन बता, तो हम कैसे करते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे ए बी की, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू ही करते हैं ना। अब मीन की जगह बेटे अगर आपसे ये पूछे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो आपसे पूछे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, तो सिंपल जैसे बेटे आप एवरेज निकालते थे कैसे, सम डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो भाई ए प्लस बी डिवाइड बाय बच्चे क्या करोगे, टू करोगे। क्लियर है, तो इतने बेटे वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, इसके बाद बेटे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। और आपने बेटे क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपने बेटे आगे रिज्यूम तब तक नहीं करना जब तक बेटे आपने वन से लेके क्वेश्चन नंबर, मैं आपको अगर बताऊं तो वन से लेकर बेटे, हाँ अप टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करने, वन टू सेवन तक बेटे सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं बेटे, एपी सीरीज के क्वेश्चन है। क्लियर, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद बेटे पहले ट्राई करो 1 to 7, उसके बाद बेटे अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो बेटे। वीडियो को पॉज करके बेटे पहले ये नोट करो, फिर 1 to 7 तक क्वेश्चन खुद ट्राई करो, उसके बाद बेटे सोल्यूशन देखो। ओके गाइस, तो होप सो आपने बेटे खुद ट्राई करे होंगे 1 to 7 क्वेश्चन। अगर नहीं बेटे करे, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सबसे पहले बेटे खुद ट्राई करो 1 to 7 क्वेश्चन। अगर बेटे उसमें जो डाउट आता है ना, उसको बेटे आप मेरे क्वेश्चन के, मेरे सोल्यूशन के साथ उसको मैच करके बेटे क्लियर करो। क्लियर है, अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो होप करता हूँ कि फर्स्ट तो सभी का हुआ होगा। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ एपी। उसने एक सीरीज दे रखी हुई आपको 3 5 7 9, जो मैंने बेटे लिख रखा था जैसे 3 5 7 और 9। उसने आपसे पूछा है कि भाई मुझे इस सीरीज की 10th टर्म बता। अब बेटे आपने ये नहीं करना कि 11 होगी अगली 13 होगी, वो काम आपने नहीं करना। हमें पता बेटे कि फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस बेटे देखो 5 - 3 करोगे तो आपके पास बेटे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है, अब देखो कॉमन डिफरेंस भी बेटे पता लग गया, फर्स्ट टर्म भी बेटे पता लग गई। वो डायरेक्टली यूज एन एस टर्म फॉर्मूला बेटे, वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें एन बेटे क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे से 10th टर्म के बारे में पूछ रहा था। तो अब देखो एन टर्म ही तो मैंने निकालनी है, टी 10 वाली टर्म, ए मुझे बेटे पता था, एन बेटे एन माइनस वन, डी बेटे हमें पता था 2, तो क्या होगा 3 plus 9 into 2 18 18 plus 3 how much 21 बेटे मेरा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था बेटे ये वाला। क्लियर,
सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बेटे, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं सेकंड ऑनवर्ड सेवन तक, ये क्वेश्चन क्या है, आपको ना कंपेयर करना है nth टर्म का। जैसे आपको फॉर्मूला पता है टी एन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, आपको बेटे वो कोई एन टर्म इन द फॉर्म ऑफ क्या देखा जाएगा, एन की फॉर्म में देखा जाएगा। तो आपको बेटे अब इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ था कि आपको वार्म अप करने के लिए कि हाँ भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम कर सकते हैं, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटे आपने कंपैरिजन करना है। जैसे आपको एन टर्म का फॉर्मूला पता है, आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, आपको जो गिवन डाटा है उसको बेटे अपने फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके बेटे अपने वैल्यू फाइंड करनी। अभी देखना बेटे, बड़े इजी क्वेश्चन है, मैं अभी वन बाय वन करके यहां पे लिखता हूं बेटे, क्लियर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म इज 3n प्लस 2। आपसे बेटे पूछा है सेकंड में कि कॉमन डिफरेंस बता भी, d की वैल्यू आपसे पूछी है और आपको बेटे nth टर्म बता गया कितनी है भाई, आपको nth टर्म बता के गया 3n प्लस बेटे क्या 2। मैंने अभी क्या बोला था, आपको कुछ n की फॉर्म में डाटा देके जाएगा, आपने इस डाटा को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर बेटे करना है, क्लियर, देखना बेटे। अब देखो मेरे पास n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो मैंने इक्वल बेटे किया 3n प्लस 2 के, एग्री करते हो। अब देखना बेटे, देखो भाई यहां पे n माइनस वन इंटू डी है तो कुछ यहां पे भी n इंटू डी है, और यहां पे बेटे ये a अलग है, यहां पे बेटे ये अलग है, क्लियर। अब देखना तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं इसको कुछ ऐसा फॉर्मेशन बताऊं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 2 प्लस क्या बेटे 3n। अब देखो बेटे इसको ओपन करो, इसको ओपन करते हैं, a प्लस ये क्या हो गया एन डी माइनस क्या बेटे डी इक्वल्स टू 2 प्लस क्या बेटे 3n। अब देखो यार इसमें करना क्या है, अब देखो यहां पे भी कुछ 3 टाइम्स ऑफ n है, यहां पे बेटे d टाइम्स ऑफ क्या है n है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो 2 है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये देखो इनको मैंने अलग ही कर दिया, a माइनस d को इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस n टाइम ऑफ d इक्वल्स टू 2 इसको बेटे अलग, ये देखो 3n। तो इसमें अब आपने क्या करना, आपने सिर्फ वैल्यू को इक्वेट करके बेटे आपने पिक करना है, ठीक है। इस साइड पे n के साथ बेटे क्या था 3, इस साइड पे बेटे n के साथ क्या है d, तो वी इजीली फाइंड कि d मेरा क्या बेटे होने वाला है 3 होने वाला है, क्लियर। अब देखो इसमें तो भाई आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो आपने बेटे ये बता दिया d मेरा 3 है। अगर बेटे आपसे पूछता कि मुझे फर्स्ट टर्म बता, देखो भाई अगर आपसे पूछता मुझे फर्स्ट टर्म बता, आपसे पूछा होता कि a की वैल्यू क्या है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, मैंने इन दोनों के बेसिस पे क्या फाइंड कर लिया था भाई, d मेरे पास 3 आ चुका हुआ है। अब मुझे पता है कि a माइनस डी ये वाला डाटा बेटे किसके बराबर था भाई, 2 के बराबर भाई। देखो अब ये वाला डाटा 2 के बराबर है, मुझे बेटे d की वैल्यू पता लगी थी, इसके बेसिस पे 3 है, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 2, सो a बच्चे क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5। वी इजिली फाइंड कि a भाई मेरा 5 है, d भाई मेरा क्या है 3 है। तो आपको इस तरह बेटे डाटा को बैलेंस करके जो भी आपको देखा गया हुआ है उसी के फॉर्मूले के साथ आपने बेटे कंपेयर करके जो वैल्यू बेटे आपसे पूछे आप उसका आंसर करोगे। तो वीडियो को पॉज करके बेटे आप सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है इसको बेटे नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करता हूं बेटे। ओके बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटे देखते हैं, थर्ड वन क्या बोल रहा है बेटे आपको, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। आपको बेटे बोलकर गया है कि फर्स्ट टर्म जो थी ए बेटे 5 है और कॉमन डिफरेंस बच्चे क्या दे रखा है 3 दे रखा है। नेक्स्ट कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ द लास्ट टर्म इज 80। आपको बेटे लास्ट टर्म भी पता है 80 है, आपको बेटे क्या फाइंड करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। तो इजीली बेटे मेरे पास n टर्म का फॉर्मूला, तो मैं यूज करूंगा 80 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 80 में से 5 गया बेटे 75 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बेटे n, तो n बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये बेटे इजी क्वेश्चन था, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब ये अच्छे क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से बेटे देखना। कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 250 टू 420। देखो क्वेश्चन ध्यान से बेटे,
सारे नंबर का सम बताना है जो 250 से 420 तक आएंगे। कंडीशन बेटे दे रखी, कौन से नंबर बेटे विच आर डिविजिबल बाय 7। देखो भी विच आर डिविजिबल बाय 7, फ्रॉम का मतलब बेटे होता है कि आप अगर बेटे 7 250 को डिविजिबल करता होता तो आपने इसको भी कंसिडर करना था, और बेटे लास्ट 420 को करता होता तो आपने इसको भी कंसिडर करना होता था। ठीक है, इन बिटवीन में क्या होता है कि आपने इन दोनों नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर से चेक करके देखना है कि ये डिविजिबल होता भी के नहीं होता। क्लियर। अब देखो भाई, मैंने देखना है कि भाई वो सारे नंबर जो 250 और 420 के बीच में ही है, और वो नंबर वो क्या होने चाहिए, वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई, 250 सोचो, 250 7 से डिविजिबल है, नहीं है बेटे। ठीक है, अब देखो 250 के बाद कौन सा नंबर आता है कि जो 7 से डिविजिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा भी बेटे मैं आपको हिंट देता हूं कि मैं कैसे चेक करता हूं कि कौन सा नंबर होगा। मैं सिंपल ना इसी को बेटे डिवाइड करता हूं 7 से, इसी को बेटे डिवाइड करो। क्लियर। अब देखो 7 के टेबल पे 25 नहीं आता, 21 तो आता है ना बेटे, कब आता है, 3 पे। छोड़ दो, मुझे कोई 3 से मतलब नहीं, छोड़ दो 3 को, 21 तक कट गया, आगे जो 4 था बेटे इसको आगे दे दिया होगा 40 को। अब देखो 47 से डिविजिबल नहीं होता, अगर बेटे जहां पे 0 की जगह 2 होता तो 42 होता, तो मुझे पता था कि 7 से डिविजिबल हो जाना। तो उससे मुझे हिंट मिल गया कि जो मेरा पहला नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 252 होने वाला बेटे। कॉमन डिफरेंस बेटे वही रहेगा। अब आपको पता बेटे पहला नंबर अगर 250 है तो अगला नंबर बेटे 259 ही होगा। क्लियर है, उसका अगला नंबर बेटे 266 होगा, ऐसे सोन चलेगा। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मुझे पता है कि कॉमन डिफरेंस, अब 7 का अगर मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस बेटे 7 आने वाला अगले टर्म के पिछले टर्म के साथ। क्लियर है। अब देखो लास्ट हम चेक कर लेते हैं कि 420 अगर 7 से बेटे डिविजिबल है तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो मैंने 420 को 7 से डिविजिबल करा, ये तो बेटे कट हो गया 420, तो मुझे ये भी पता लग गया कि लास्ट टर्म बेटे क्या है, 420 है। देखो फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया, और लास्ट टर्म भी पता लग गई। उसने बेटे पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 250 टू 420 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। मैंने सम के दो फॉर्मूले बेटे आपको बताए थे, एक बेटे मैंने ये भी बताया था ना, एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या बेटे लास्ट टर्म। क्लियर। अब देखो भाई मेरे पास ए बी है, मेरे पास एल बी है, डी तो मुझे चाहिए नहीं था, चलो कोई नहीं मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अब बेटे एन की वैल्यू बेटे मुझे क्या होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए। तो भाई मैं एन की वैल्यू एनएस टर्म का फॉर्मूला लगा के भी तो मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर। तो एनएस टर्म का फॉर्मूला बेटे जैसे मैं लिख दू यहाँ पे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनएस टर्म बेटे दे रखी है 420, फर्स्ट टर्म थी बेटे 252 प्लस एन की वैल्यू बेटे फाइंड करनी, डी बेटे कितना है 7 है। क्लियर। अब देखो 420 में से 252 माइनस करो बेटे, 420 में से 252 माइनस करो, देखो बेटे क्या बन जाएगा 8। ठीक है, देन बेटे ये क्या बन जाएगा 11 में से 5 के 6, तो देन बेटे 3 में से 168 बेटे। क्लियर। इक्वल्स डिवाइड बाय बेटे क्या कर दो 7 प्लस बेटे क्या कर दो 1, आपके पास क्या पता लग जाएगा, एन की वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखो 7 के टेबल पे ये किस पे जाता है, 2 देन 4, आपको पता लग गया कि एन की वैल्यू बेटे क्या है 25 है बेटे। क्लियर। एक तो बेटे ये तरीका है एन की वैल्यू निकालने का, मैं दूसरा तरीका भी बेटे बता देता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना बेटे हो, क्योंकि कई बच्चों ने ऐसे भी निकाला होगा। देखो एक तो बेटे ये होगा सिंपल वे, एन की वैल्यू पता लग गई है, सिंपल इस फॉर्मूले में फिल करना, आपको बेटे क्या पता लग जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स पता लग जाएगा। दो बच्चे कहते हैं कि सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, कुछ ईजी हो जाए या कुछ और हो जाए। देखो मुझे पता है यार कि मेरा पहला नंबर था 252 और लास्ट नंबर बेटे क्या है 420, एग्री करते हो। क्लियर। अब आपने करना क्या है, एक तो बेटे तरीका है कि आप इनका क्या करो, इनका डिफरेंस कर लो। ठीक है, क्या करो बेटे आप इनका डिफरेंस कर लो, जैसे इन दोनों का बेटे एल माइनस ए का डिफरेंस देखना आपने। तो जैसे मैंने करा था एल माइनस ए का डिफरेंस बेटे कितना था 168 था बेटे। क्लियर। डायरेक्ट शॉर्टकट बेटे बता रहा हूं, एल माइनस ए का आपने बेटे डिफरेंस लेना 168, और उस डिफरेंस को बेटे आपने 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है बेटे। क्लियर। और जो भी आंसर आएगा उसमें बेटे क्या करना आपने, प्लस 1 करना है। देखो कईयों को समझ लग गया होगा मैंने बेटे यही करा, देखो जो आपने इतना लिख के करना था तो मैंने सीधा ही आपको क्या बोला
कि अगर डायरेक्ट आप नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए बेटे आप सिंपल क्या कर सकते हो, एल माइनस ए डिवाइड बाय जिस भी नंबर के साथ डिविजिबल की बात कर रहा था प्लस बेटे आपने क्या करना है, वन बेटे करना है, इजी बेटे हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो बेटे ये वही हो गया 24 प्लस 1 हाउ मच 25। ये बेटे छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपकी बेटे स्पीड पेपर में काफी इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। अब एन बेटे 25 था तो सिंपल बेटे इसमें फिल करते हैं। अगर इसमें बेटे मैं फिल करूंगा 25 डिवाइड बाय 2, देखो ए बेटे मेरे पास है 252, एल बच्चे मेरे पास है 420। एग्री करते हो? क्लियर। अब बेटे इसको सोल्व भी करना था। क्लियर, इसको सोल्व कर लेते हैं 25 बाय 2, तो ये बेटे ऐड करो, देखो 400 प्लस 200 600, 52 प्लस 20 72, तो ये बेटे क्या हो गया 672। एग्री करते हो? अब देखो कटिंग कर लो बेटे, 2 के टेबल पे ये किस पे गया 336, तो 336 इंटू 25 करो और बेटे आप अपना आंसर निकालोगे जो भी आपका आंसर होगा बेटे। क्लियर। एक बेटे ये फॉर्मूला होता आपको पता है, एक बेटे दूसरा फॉर्मूला था वो भी आपको पता नहीं, जिससे आपकी वैल्यू इजी निकल सकती है आप बेटे उसको यूज कर देना। जैसे दूसरा फॉर्मूला यही था ना, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। अगर आपको लगता कि ये मेरा इजी लग रहा है तो आप इससे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो एन था बेटे 25 बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू बेटे डी। आपको बेटे जोन्स आपको ये फॉर्मूला इजी लगता है आपने इससे कर लेना, ये इजी लगता है बेटे इससे कर लेना, थोड़ी तो बेटे कैलकुलेशन अब आपको करनी ही पड़ेगी। क्लियर है। तो इसको बेटे क्वेश्चन नंबर 4 को राइट कर लो, मैं बेटे रेज करता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, वीडियो पॉज कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूँ। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे, इसमें क्या बोल रहा था, कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर बेटे क्या होना चाहिए, 2। अब देखो भाई 2 डिजिट नंबर भी होना चाहिए और जब उसको आप 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटे, 2 आना चाहिए। तो आप बेटे सिंपल ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 27 से डिविजिबल होता हो, 14 बेटे सभी को पता बेटे 14 है, बट मैं अगर 14 अपना फर्स्ट नंबर ले लूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, 0। बट मुझे रिमाइंडर में 2 चाहिए तो मैं 14 प्लस 2 लूंगा, मींस कि मेरा पहला नंबर बेटे क्या होगा, ए इक्वल्स टू 16 होगा इंस्टेड ऑफ 14 बेटे। क्लियर। अब बेटे सीधा लास्ट पे आ जाओ, डी तो बेटे पता लग गया अभी 7 है, सीधे लास्ट नंबर बेटे पिक करते हैं। देखो लास्ट नंबर बेटे देखो जो 2 डिजिट हो और 7 से डिविजिबल होता हो, सभी को बेटे पता है जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो बेटे कौन, अभी 98 है। बट अगर भाई 98 7 से डिविजिबल है बट मुझे तो 2 रिमाइंडर चाहिए था, तो 90 प्लस 2 करोगे वो तो नंबर भी क्या बन गया, ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया, तो ये तो भाई मैं लिखूंगा नहीं, फिर इससे पहले मैं देखूंगा कि 98 से पहले कौन सा नंबर था, 98 से पहले जो 2 डिजिट नंबर था बेटे वो कौन सा था भाई, 91 था। क्लियर। अब देखो 91 तो 7 से डिविजिबल है बट मुझे डिविजिबल नहीं चाहिए, मुझे 2 रिमाइंडर चाहिए, तो मैं अभी 91 की जगह बेटे क्या लिखूंगा, 91 प्लस 2 बेटे क्या होते हैं 93, तो मुझे लास्ट नंबर भी पता लग गया बेटे क्या है 93। क्लियर। अब देखो फर्स्ट नंबर बेटे 16 है, लास्ट नंबर बेटे 93 है और कॉमन डिफरेंस बेटे क्या है 7। उसने आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, सम बेटे पूछा है। देखो भाई सबसे पहले n निकाल लो, n निकालने का बेटे अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, आपने l माइनस a डिवाइड बाय बेटे जिस नंबर की बात कर रहा है प्लस बेटे क्या करना है, 1 बेटे करना है। 93 में से बेटे 16 माइनस करो बेटे कितना होता है, खुद बेटे कैलकुलेशन करा करो, आपको बेटे पता लगेगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, जितना बेटे माइंड वर्क करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। देखो आपको इजी वे बताता हूं, 93 में से बेटे 6 तो माइनस कर ही सकते थे, 87 होना था, अब 87 में से 10 माइनस करो बेटे क्या बचता है 77,
तो 77 डिवाइड बाय 7 बेटे 11 प्लस 1 हाउ मच। तो ऐसे बेटे कैलकुलेशन करा करो, किसी के पास बेटे जादू की छड़ी नहीं है कि जो देख के होगा इसका आंसर भी ये होगा। हर एक बंदा बेटे माइंड में स्टेप वाइज कैलकुलेशन करता है और उसका बेटे आंसर निकालता है। क्लियर? दोबारा रिपीट कर देता हूं, 93 में से 16 नहीं हो रहा तो मैं लिख के नहीं देखूंगा, 93 में से 6 तो कर सकते थे ना, कितना बचा 87, 87 में से 10 निकालो बेटे कितना बचेगा 77। तो मुझे पता लग गया भाई 93 में से 16 करोगे 77 बचेगा, 77 7 से डिविजिबल करो बेटे क्या होगा 11, 11 प्लस 1 बेटे क्या 12। तो मुझे n भी पता लग गया कि n भाई क्या है 12 है। तो सम पूछा था तो कर देते हैं हम, तो भाई 12/2 फर्स्ट टर्म 16 लास्ट टर्म बेटे क्या 93। क्लियर? अब देखो ये तो भाई क्या बन गया 16 प्लस 93, 93 में 6 ऐड करो बेटे 99 प्लस 10 करोगे 109। क्लियर? तो देखो 6 इंटू 109 को अब मल्टीप्लाई करना था। क्लियर? तो 109 इंटू 6 बेटे करोगे तो ये बेटे बनेगा आपका 654 बनेगा बेटे। ठीक है, देखो 100 होता है तो 100 इंटू 6 तो बेटे सभी को पता है 600 होता है, तो 9 इंटू 6 क्या होता है 54, तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा 654। तो कौन सी ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन नंबर ए बेटे। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन बेटे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ आपका। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटे मूव करता हूं। ओके बेटे, तो 6 क्वेश्चन बेटे देखो क्या है, कहता था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय, फर्स्ट एन टर्म्स सम पता बेटे मुझे। क्लियर है? अब देखो इसमें ना आपको जो सम पता है ना फर्स्ट एन टर्म्स का, वो क्या पता है थोड़ा सा बेटे आपको आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे ये 2n स्क्वायर है प्लस बेटे 6n। अब देखो भाई सम के दो फॉर्मूले मेरे पास। क्लियर? एक तो है n बाई 2 a प्लस l वाला, उसमें देखो n बाई, देखो n की मैक्सिमम पावर 1 ही रहती है। क्लियर? बट इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई 2 आ गई, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है, इसमें बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है n बाय 2 2 a प्लस बेटे n माइनस 1 इनटू d बेटे। तो थोड़ा सा बेटे आपको आइडिया तो बेटे लेना सीखना पड़ेगा कि हाँ भी मैंने फॉर्मूला भी कौन सा इक्वेट करना है आपस में। अब देखो पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d पूछा बेटे, d की वैल्यू उसने पूछी है, कोई इशू नहीं है। अब देखो भाई आपकी विश है बेटे, आपने इसको इसको चाहे अंदर भेज दो चाहे इसको, इसमें से बेटे n कॉमन निकाल लो। तो हम इसी को बेटे सोल्व करते हैं, तो ये बेटे बन जाएगा n बाय 2 इंटू 2a प्लस, यही n बाय 2 बेटे इसके साथ भी तो होना है, n इंटू n बाय 2 इंटू d बेटे इसको भी भेज देते हैं, माइनस d इंटू n डिवाइड बाय बेटे क्या 2 इक्वल्स यहाँ पे क्या है 2n स्क्वायर प्लस बेटे क्या 6n। देखो कटिंग करते हैं, जहां जहां पे कटिंग होती कर लो। देखो ये तो क्या रहेगा सिर्फ एन ए, देखो यहाँ पे कितना रह गया एन स्क्वायर डी बाय 2 माइनस एन डी बाय 2। अब देखो भाई मुझे सिर्फ डी की वैल्यू से मतलब था, मैंने वही डाटा बेटे इक्वेट करना है कि जो मुझे चाहिए था। अब देखो यहाँ पे भी कुछ एन स्क्वायर है और यहाँ पे भी कुछ एन स्क्वायर है। क्लियर? कईयों के मन में आता होगा सर यहाँ पे भी तो डी था आपने इसको क्यों नहीं करा। ठीक है, देखो इसको भी करूंगा आंसर बेटे सेम ही बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? बट जो वैल्यू बेटे इजी नजर आ रही उसी को बेटे पहले लेंगे। देखो एन स्क्वायर के साथ क्या है 2, उस साइड पे देखो बेटे एन स्क्वायर के साथ क्या बेटे डी बाय 2 है, गलती मत करना बेटे। क्लियर? डी बाय 2 है तो इजिली फाइंड बेटे डी क्या होने वाला 4। क्लियर? अब डी अगर पता लग गया, अगर बेटे उसने आपसे ए पूछा होता कि ए बता, तो मैंने क्या करना था। अब देखो इन दोनों को अगर लेते हैं, मैं यहाँ पे और लेके आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखो 6n इक्वल्स टू एन ए माइनस एन डी बाय क्या बेटे 2। अगर आप n कॉमन निकाल रहे हो देखो ये क्या बनेगा 2a माइनस डी डिवाइड बाय बेटे क्या 2। अब देखो n नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो 6 इक्वल्स टू 2a माइनस डी डिवाइड बाय बच्चे क्या 2। तो इस बिहाव पे आपको d तो पता लग ही गया कि 4 है। क्लियर? इसको बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको इजीली क्या पता लग जाएगा a की वैल्यू क्या होने वाली है। क्लियर? डिफिकल्ट नहीं है बेटे, इन क्वेश्चंस को करना ही आपने बैलेंस करके बेटे, उस फॉर्मूले को ओरिजिनल फॉर्मूला जो भी है उसके साथ बैलेंस करके आपने इजी वे में ऐसे आंसर बेटे निकालते जाने। क्लियर बेटे? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था बेटे। क्लियर? नोट कर लो बेटे इसको, मैं अरेंज करने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना।
वीडियो पोस्ट करके। ओके गाइस, तो ये था बेटे 6 क्वेश्चन। आप वीडियो को पोस्ट करके बेटे नोट कर लेना, तो मैं 7 क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन बेटे देखते हैं क्या है। द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, आपको फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी बता गया हुआ आपको 3x, वो खुद बोल के जा रहा है कि ये एपी सीरीज है भाई, 5x प्लस 8 और लास्ट बेटे क्या है 10x प्लस 4। देखो 3x 5x प्लस 8 10x प्लस 4। अब देखो कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए सीरीज, आपको भाई सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का। अब देखो भाई ए दे रखा है 3x, डी निकालते हैं भाई, देखो है तो एपी सीरीज ही है ना, डी बेटे कितना होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो डी बेटे क्या होगा 5x मार कितना होगा 2x प्लस 8। क्लियर। अब देखो भाई डी अगर आपने ये मैंने करा, ये मैंने क्या करा डी निकाला है जब मैंने सेकंड टर्म में से बेटे फर्स्ट टर्म माइनस करिए, एपी सीरीज बेटे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके जो डी आएगा वो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके भी सेम ही होगा, तो मैं अगला डी बेटे लिखूंगा यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं तो डी की वैल्यू बेटे क्या है 10x प्लस 4 माइनस 5x माइनस क्या बेटे 8, 10x में से 5x के बेटे 5x ये क्या हो गया माइनस 4। अब देखो ये भी डी है और ये भी बेटे डी है, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। क्लियर। तो मेरे पास 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 4, 5x में से 2x के बचे क्या बचा 3x, माइनस को बेटे इस साइड ले ये बन जाएगा 12, सो x इक्वल्स टू बेटे क्या आ गया 4। अब बेटे x इक्वल्स अगर 4 है तो मैं बड़े आराम से बेटे अपनी वैल्यू लिख सकता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट टर्म थी सीरीज की फर्स्ट टर्म थी 3 इंटू 4 बेटे क्या होगा 12, अगला बेटे क्या होगा 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 8 बेटे क्या होगा 28, नेक्स्ट 4 इंटू 10 40 प्लस 4 बेटे क्या होगा 44। क्लियर है। अब देखो भाई ए आपको पता लग गया भाई 12 है, कॉमन डिफरेंस बेटे निकालो 28 माइनस 12 इक्वल्स टू हाउ मच 16। देखो ए भी पता लग गया बेटे, डी भी पता लग गया, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के बेटे दो फॉर्मूले होते हैं एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो मैं कौन सा फॉर्मूला बेटे अभी यूज करूंगा, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे पता बेटे इस केस में एन कितना मैंने लेना भी 10 पिक करना। अब देखो सारी वैल्यू फिल करते हैं 10 डिवाइड बाई टू टू टाइम्स ऑफ ए, ए बेटे है 12 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बच्चे कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अब देखो भी ये कितना हो गया अभी 50 ये कितना हो गया अभी 5 ब्रैकेट सोल्व करते हैं 24, ये 9 इंटू 16 बेटे कितना होता है 144, सो 144 इंटू 24 कितना होगा भाई 168, सो 168 इंटू 5 बेटे 17, 5 का क्या होता है 85। ठीक है, तो कितना आंसर बेटे होगा इसका 840। क्लियर, इजी था बेटे, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7 एपी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बेटे। क्लियर, इसको बेटे नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। क्लियर। ओके गाइस, तो यहां तक क्वेश्चन थे 1 to 7 तक आपके एपी सीरीज के। अब 8th ऑनवर्ड अप टू अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13-14 तक लगा लो आपके जीपी के क्वेश्चन, कुछ कॉमन भी है दोनों के। सो स्टार्ट करते हैं जीपी सीरीज क्या होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे वो सीरीज देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे सोन सोन चलती रहे। देखो भी अब इनका डिफरेंस सेम नहीं है, बट इनकी डिफरेंस की जगह वहां पे हम यूज करते थे कि जो सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसको आप एपी सीरीज बोलते हो। अब देखो जिस सीरीज की रेशियो सेम हो, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, मींस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म चाहे थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करके अगर रेशियो सेम आ रही है तो उस सीरीज को भाई क्या नाम देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बेटे। ठीक है, अब देखो लिख देता हूं मैं यहां पे ज्योमेट्रिक
पी तो बेटे आपको पता प्रोग्रेशन सीरीज बेटे, क्लियर। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है, ए ए आर की पावर वन, ए आर की पावर टू थ्री, देन सो ऑन बेटे, लास्ट टर्म क्या होगी, ए आर की पावर एन माइनस वन, क्लियर। अब देखो इसमें बेटे जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो बेटे ए क्लियर हो गया। अब इसमें बेटे कॉमन डिफरेंस ना लिख के कॉमन रेशियो वर्ड बेटे यूज होता है, वो क्या होता है कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, देखो ए आर अपॉन ए, तो बेटे क्या आ रहा है जी, आर, चाहे बेटे आप फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म कर लो फिर भी बेटे क्या आएगा, आर आएगा। अगर बेटे आपको ऐसे लग रहा है कि कॉमन रेशियो क्या है सेम है, तो आप बेटे कह सकते हो ये सीरीज कौन सी होगी, जीपी सीरीज होगी, क्लियर। अब इसी तरह बेटे इसमें एनएस टर्म, एनएस टर्म जिसको आप लास्ट टर्म कहते हो, वो कैसे फाइंड बेटे, क्या फॉर्मूला, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब इसमें बेटे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बेटे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। इसी तरह बच्चे इसमें सम ऑफ एन टर्म्स के भी दो फॉर्मूले हैं, देखना बेटे, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये बेटे कब यूज करना है, जब इफ आर इज लेस देन क्या बेटे हो, वन हो। और बेटे सेकंड फॉर्मूला क्या है, ए आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर बच्चे क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। तो ये बेटे दो फॉर्मूले हैं सम के, क्लियर। उसके बाद बेटे इसमें भी बेटे कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, तो सिंपल है बेटे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी बेटे, सिंपल, क्लियर है। अब देखो कई बार बेटे जैसे देखो सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म्स है, कई बार बच्चे सम ऑफ अप टू क्या पूछ लेता है आपसे, इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में पूछ लेता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, तो उसका बेटे लगता फॉर्मूला है ए अपॉन वन माइनस आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, अभी आपका ये यूज भी होगा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये थे बेटे सारे फॉर्मूले आपके जीपी सीरीज के, आप वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ, क्लियर। वीडियो को पॉज करके बेटे इसको लिख लो। ओके बेटे तो स्टार्ट करते हैं, ये थे बेटे सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के फॉर्मूले बेटे, मैंने सारे लिख दिए हैं, क्लियर। अब देखो बेटे आपका राइट क्या बनता है कि वीडियो को यहीं पे पॉज करो, आपने बेटे खुद ट्राई करने, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं जो आपने ट्राई करने, सारे बेटे हमने करने क्वेश्चन, कौन कौन से बेटे ट्राई करने आपने, 8, 9, 10 और 11, 11 वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, काफी बार बेटे एग्जाम में आया क्वेश्चन नंबर 11। तो वैसे क्वेश्चन बेटे इसके टोटल है, मैं लगाऊं अगर बात करूं तो 14 तक 13 तक क्वेश्चन थे, अगले वाले बेटे इजी हैं जैसे ज्योमेट्रिक मीन वगैरह के क्वेश्चन है, तो आपने बेटे क्या करना, अभी वीडियो को पॉज करके 8, 9, 10 और 11 खुद ट्राई करो, मैं बेटे इसको अभी करवाता हूं, ठीक है। बट पहले खुद बेटे आप ट्राई करना वीडियो को यहीं पे पॉज करके, फॉर्मूले बेटे सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। देखो बेटे अब क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 क्या कहता है, 8 को बेटे रीड करते हैं। देखो बेटे 8 में बोला कि फिफ्थ टर्म भी आपको पता है, 8 वाले में आपको फिफ्थ टर्म पता है 32 है, उसके बाद आई थिंक सो 12th टर्म आपको पता है 40 क्या दे रखा हुआ है 96, और उसने आपसे nth टर्म बेटे पूछी है, सिंपल, क्लियर। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, 12th टर्म आपको बेटे पता 4096, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, तो 12 माइनस वन बेटे क्या हो गया 11, 32, आइडिया मिल गया कुछ कैसे करना था भाई। देखो 12th टर्म बेटे लिखी मैंने और मैंने 5th टर्म लिखी, मैंने दोनों को क्या करा बेटे डिवाइड कर दिया, जब मैंने डिवाइड करा ए से तो बेटे ए कट हो गया, इसको बेटे कटिंग करोगे तो ये 128 बन जाएगा, क्लियर। सो 128
सर्ट्स एंड इंडिसेस बेटे क्लास वन में अलजेब्रा की में मैंने बताया था कैसे करते हैं। देखो बेस सेम है, पावर बेटे डिवीजन में है, तो सेम करोगे तो 11 माइनस 4 बेटे क्या होगा भाई 7। तो ये बेटे 2 रेस टू पावर 7 इक्वल्स टू r रेस टू पावर 7। अगर पावर सेम है तो बेटे बेस भी क्या होते हैं सेम। सो इससे बेटे हिंट मिल गया r की पावर बेटे क्या है, सॉरी r इक्वल्स टू क्या 2। अब ये r की वैल्यू चाहे बेटे फर्स्ट वाले में फिल कर लो चाहे सेकंड वाले में फिल कर लो, विल इजीली फाइंड a। तो मैं फर्स्ट वाले में ये वहां पे फिल करता हूं, मुझे पता है a 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 32। 2 की पावर 4 बेटे 16 होता है, तो a की वैल्यू बेटे मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई, विजिबल है ना बोर्ड, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो a की वैल्यू पता है मुझे, r की वैल्यू पता है, मैंने nth टर्म फाइंड करनी है भाई। nth टर्म क्या होती है, a r की पावर बेटे क्या n माइनस 1। देखो a भी बेटे क्या है 2 रेस टू पावर 1, ओह सॉरी r भी बेटे क्या है 2 की पावर n माइनस 1। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, देखो कट हो गया मेरे पास nth टर्म का, सॉरी nth टर्म पूछी थी हाँ, क्या बेटे होगा 2 रेस टू पावर n मेरे पास क्या होगा आंसर आ जाए। इजी था बेटे ये क्वेश्चन, बस यहां से बेटे हिंट लेना था मैंने स्टार्टअप कैसे करना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन मैं करता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना जिनसे नहीं हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन बेटे क्या है, कहता इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो भी रेशियो आपको पता है कि फर्स्ट 6 और फर्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर है बेटे ये 9, आपको बेटे ऐसे पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 और फर्स्ट 3 की रेशियो बेटे 9 पता, आपको ये पता है। अब बेटे आपको सम के मैंने फॉर्मूले बता रखे हुए हैं, आप इजीली बेटे यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे a 1 माइनस r की पावर 6 अपॉन 1 माइनस r, a 1 माइनस r की पावर 3 अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू बेटे क्या भाई 9। क्लियर, सम ऑफ 6 का बेटे ये लिखा मैंने, सम ऑफ 3 का मैंने ये लिखा। अब देखो a 1 माइनस r, a 1 माइनस r बेटे कट हो गए। अब देखो यहां से भी हिंट लेना आपने करना कैसे क्वेश्चन। देखो ये वाला जो है 1 माइनस r की पावर 6 इसको बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर बेटे 1 माइनस r क्यों इक्वल्स बेटे ये किसके इक्वल था ये 9 के। देखो 3 2 का होता तो 6 है ना, मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस में बेटे बता रखा, अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो डिस्क्रिप्शन में बेटे अलजेब्रा 1 का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें देख लेना कि मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में क्या बताया था बेटे। क्लियर, अब देखो ये बेटे देखो इसको बेटे मैं 2 लिख ही सकते हो, आप कोई फर्क तो नहीं पड़ता, एक ही पावर जो मर्जी कर लो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बेटे क्या बी डिवाइड बाय बच्चे क्या था 1 माइनस आर की पावर क्यू। क्लियर, अब देखो दिस वन कट, तो देखो आर क्यूब यहीं पर रहने देते हैं, एन माइनस वन बेटे क्या हो गया 8, तो आर की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 2 आ गई। देखते हैं उसने बेटे पूछा क्या था मेरे से क्वेश्चन नंबर 9 पे, उसने बेटे कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी पूछा हुआ था, उसने बेटे पूछा ही आपसे ये था कि आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके बेटे इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 10 11 पे मूव करता हूँ बेटे, इसको बेटे वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लो। ओके बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, कहता था सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी 5/3। फर्स्ट 2 टर्म्स बेटे दे रखी हैं आपको 10th में, a 1 माइनस r की पावर 2 अपॉन 1 माइनस r और सम ऑफ इनफिनिटी बेटे आपको जैसे पता a 1 माइनस r आपको क्या दे रखा हुआ 3 दे रखा है। देखो बेटे ये आपको दे रखा हुआ है 5/3 और ये बच्चे आपको दे रखा है 3। अब देखो इसको करना कैसे है। क्लियर, अब देखो मुझे पता है a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू बेटे क्या है 3, तो ये भी देखो वही है a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर, तो इसकी जगह बेटे a अपॉन 1 माइनस r की जगह बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। क्लियर, 3 इंटू 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3।
वन माइनस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री, थ्री का बेटे क्या हो जाएगा नाइन, सो आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा फाइव बाई नाइन इक्वल्स टू फोर बाई नाइन, तो आर की वैल्यू बेटे क्या आ गई मेरे पास प्लस माइनस टू बाई थ्री, गॉट इट। अब देखो आर की वैल्यू मैं इसमें फिल करके इजिली बेटे क्या फाइंड कर सकता हूँ, ए फाइंड कर सकता हूँ। देखो ए बेटे क्या हो जाएगा, ए था वन माइनस आर इक्वल्स टू थ्री, तो ए बेटे पूछा वन माइनस माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू थ्री, तो ये बेटे क्या हो जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री इक्वल्स टू थ्री, तो बेटे ए अपॉन फाइव जो नीचे थ्री का ऊपर आ गया बेटे ये थ्री, थ्री से थ्री कट, तो ए की वैल्यू बेटे क्या होगी, इजी था बेटे ये क्वेश्चन, फाइव आपका आंसर हो गया। कौन सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन बेटे आपका आंसर हो गया, क्लियर बेटे। अब देखो यहां तक थे आपके टेंथ तक क्वेश्चन, क्लियर। इतना बेटे लिखो, मैं आगे बेटे आप वीडियो पॉज करके आप इलेवंथ क्वेश्चन बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा हुआ, अगर आपने नहीं सोल्व करा तो इसको बेटे खुद पहले टाइम लगाओ, उसके बाद बेटे वीडियो को कंटिन्यू करो। ओके गाइस, होप सो आपने ट्राई करा होगा बेटे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखना बेटे क्वेश्चन नंबर 11 बेटे क्या बोल रहा है, उसकी सेंस को बेटे समझो, क्वेश्चन क्या है, कहता अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 96 फीट। देखो एक बॉल थी बेटे, एक बिल्डिंग है 96 फीट हाई है, वहां से बॉल बेटे नीचे आती है, ये देखो देखो बेटे यहां पे, जब यहां से बॉल नीचे आएगी बेटे कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटे, 96 फीट तो उसने कवर कर लिया होगा, एग्री करते हो। आगे देखना कहता एंड इट बाउंस बैक, ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि भाई बॉल यहां पे बाउंस बैक करेगी और कितनी हाइट तक रिवर्स जाएगी बेटे, वो जितनी भी उसकी प्रीवियस हाइट से वो नीचे आई थी उसका टू थर्ड बेटे ऊपर जाएगी दोबारा, क्लियर। तो 96 का टू थर्ड बेटे आप कर सकते थे बेटे, कितना बन गया होगा 64 बेटे, एग्री करते हो। अब देखो बेटे यहां पे तो वो बॉल रहेगी नहीं, बॉल फिर बेटे नीचे आएगी, कितना डिस्टेंस और कवर करेगी बच्चे, 64 ही नीचे कवर करेगी, क्लियर। फिर बच्चे कितना बाउंस बैक, फिर 64 का कुछ टू थर्ड ऊपर जाएगी, फिर उतने बेटे क्या करेगी कुछ नीचे आएगी, ये तब तक बेटे ऐसे टू थर्ड ऊपर टू थर्ड नीचे बेटे आएगी जब तक बेटे वो एंड में आके स्टेबल नहीं बेटे हो जाते, ठीक है। अब देखो मुझे तो यार पता नहीं अब कितनी बार ऊपर जाएगी कितनी बार नीचे आएगी, बट मुझे हिंट मिल गया कि अगर बेटे मैं ये देखूं कि भाई टू थर्ड की रेशियो से उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, क्लियर, तो मींस कि मुझे ये पता लग गया कि कॉमन रेशियो बेटे क्या होने वाली है, टू बाई थ्री, ठीक है, कॉमन रेशियो टू बाई थ्री है। अब देखो गलती होने के बड़े चांसेस हैं बेटे, कई बच्चे ना क्या करेंगे, देखो पहली मैं सोरे बता दूं थोड़ा सा, देखो जब हमें कुछ क्लियर ही नहीं है कितने कुछ फाइनाइट नंबर पता नहीं कि कितनी बार उसने बाउंस बैक किया, तो ये इनफाइनाइट वाला केस होगा, क्लियर। तो इनफाइनाइट वाला बेटे आपको फॉर्मूला पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए अपॉन बच्चे क्या वन माइनस आर। अब देखो आर की वैल्यू बेटे पता है, ए की वैल्यू अगर पता लग जाए मुझे कुछ हिंट मिल जाएगा, मैं इनफाइनाइट तक सम निकाल सकता हूँ। देखो इसको करना कैसे होगा, अगर बेटे मैं इस 96, मैं यहां से क्लियर करता हूँ बेटे दोबारा बड़ा बड़ा करता हूँ, देखो ये बेटे 96 फीट, सबसे पहले तो वो 96 फीट बेटे नीचे आई है, बट सिर्फ एक यही डिस्टेंस है बेटे जो उसने वन टाइम कवर किया, देखो सिर्फ एक यही डिस्टेंस है जो उसने सिर्फ वन टाइम कवर किया, उसके बाद बेटे जितना वो ऊपर गई है उतना नीचे भी बेटे आई है, देखो जब तक वो रुक नहीं गई तब तक उसने यही करा ना, जितना ऊपर गई है उतने बेटे नीचे आइए, क्लियर। अब देखो मैं क्वेश्चन ना यहां से शुरू ही नहीं करूंगा मैं इसको बेटे शुरू ही नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, मुझे पता कि यहां से लेके और यहां तक जितना भी डिस्टेंस है उसने सेम डिस्टेंस को दो बार बेटे कवर किया, क्लियर। अब देखो मुझे ये वाला पता ना, ये तो 96 था, मुझे ये भी पता था 64 है भी कुछ, क्लियर। तो मैं ये ए की वैल्यू मैं यहां से शुरू करूंगा, अभी मैं इसको काउंट ही नहीं करता, जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मैं लास्ट में बेटे क्या ऐड कर लूंगा, 96 बेटे ऐड कर लूंगा। देखो मैं ए को बेटे अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा 64 है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट, देखना जो इनफाइनाइट है बेटे ये क्या आएगा, किसका रिजल्ट देगा,
आपको जैसे देखो 64 64 है आगे कुछ भी होगा, ये आपको सिर्फ सिंगल टाइम्स का बेटे, जैसे ये कुछ 64 है, हमें नहीं पता ये क्या होगा ये क्या होगा ये क्या होगा, ये 1 1 1 टाइम्स का आपको रिजल्ट डायरेक्टली बेटे पता लग जाएगा। 1 माइनस 2 बाई 3 तो ये बेटे हो गया 64 इंटू 3, 3 माइनस 2 तो ये बेटे कितना हो गया 192 मीटर। मुझे पता लग गया कि ये जो 192 मीटर, ये नहीं है कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस 192 मीटर, नहीं, ये बेटे सिर्फ एक एक साइड वाला डिस्टेंस। ये देखो अगला, अब देखो भी मुझे पता जितना ये ऊपर गया था उतना ये नीचे भी आया, तो कहने का मतलब कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस बेटे क्या होने वाला था, 192 इंटू 2 करोगे बेटे, क्लियर? तो बच्चे ये क्या बनेगा, 384 मीटर, क्लियर? दोबारा बेटे समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्फानेट में बेटे आपको पता लगता है कि सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म्स, जैसे वो बेटे 64 32 16 8 2, बट बेटे यहाँ पे 64 64 32 32, आगे बेटे ऐसे सोन सोन है, तो इसकी हेल्प से बेटे मैंने एक बार का तो निकाल लिया सारा 64 समथिंग समथिंग समथिंग, वो बेटे कितना बना था 192। मुझे पता कि उतना भी उसने डबल किया है, तो इंटू टू करके 384 आ गया। अब देखो बच्चा ये आंसर बेटे मार्क कर देगा 384, बट नहीं, स्टार्टिंग वाला जो सिंगल टाइम्स बेटे वो नीचे आया था 196, वो तो कवर करा ही नहीं मैंने, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना बेटे होगा, जो आंसर होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टिल इट्स लेवल, तो कितना होगा 384 प्लस बेटे क्या होगा 96। 384 में होगा बेटे 6 दे दो कितना बचता है 390, प्लस 90 और देने से बेटे कितना होगा 480 इज माय आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजिबल है बेटे सभी को, मैंने कॉर्नर पे लिखा, तो मैं यहां पे इसका आंसर लिख देता हूं, 480 मीटर बेटे इसका आंसर होगा बेटे, क्लियर? वीडियो को पॉज करके बेटे इसको अच्छे से लिख लो, और अगर जरूरत पड़ती बेटे इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनना, मैंने क्लियर कट इजी वे में इसको बता रखा हुआ है, क्लियर? ओके गाइस, तो यहां तक बेटे लिखो। इसके बाद बेटे जो अगले क्वेश्चन है ना, 12 13 14, ये इजी क्वेश्चन है, इनको बनाने की कोशिश करना खुद, अगर डाउट होगा तो बेटे मुझे ग्रुप में पूछ लेना बेटे, कोई भी डाउट होगा, क्लियर? इसको बेटे नोट कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर बेटे अब फंक्शंस पे मूव करता हूँ, 15 लेके 20 तक सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसको बेटे नोट कर। ओके गाइस, तो लास्ट टॉपिक बेटे आज की क्लास का जो फंक्शंस वाला था क्वेश्चन, वेरी इजी टॉपिक। देखो बेटे मैं एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे बेटे आपको गिवन था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1, आपको ये गिवन था, और उसने आपसे पूछा फाइंड, क्या पूछा उसने, एफ ऑफ एक्स बेटे आपसे पूछा, ठीक है, इफ एक्स इक्वल्स टू क्या बेटे 1। देखो बेटे क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी थी 2x+1, उसने फाइंड करने को क्या बोला, उसने ये बोला है कि f(x) की वैल्यू बता जब x इक्वल टू क्या बेटे 1 है। तो सबसे पहले देखो भाई कि भाई मैंने f(x) की वैल्यू जब x बेटे क्या है 1, देखो भाई सिंपल मैं इसमें 1 फिल करके देखूंगा, 2 इंटू एक्स की जगह बेटे 1 रखा तो मेरे पास 2+1 इक्वल टू क्या आ गया 3, मेरे पास f(1) की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। बट उसने मेरे से ये नहीं पूछा था कि आप 1 रख के आप मुझे आंसर बता, उसने मेरे से पूछा था f(f)(1) की वैल्यू क्या होगी लिटरली। अब देखो मैंने जो फाइंड करना है, अब जो मेरा फाइनल है, मैंने क्या फाइंड करना है, f(x) था, अब यहाँ पे x की जगह 1 था तो f(1) की वैल्यू बेटे क्या आ गई थी 3 आ गई थी, तो अब मैंने f(3) की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है, फाइनल मेरा रिजल्ट यही होगा, क्लियर? दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा क्वेश्चन था f(x) 2x+1, ये एक बेटे स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी हुई थी, उसने आपसे पूछा था f(x) की वैल्यू क्या होगी जब x बेटे किसके बराबर होगा 1 के, तो सिंपल बेटे मैंने x की जगह 1 जब फिल किया, मैंने f(1) की वैल्यू फाइंड करी, तो f(1) की वैल्यू बेटे करेंगे तो बेटे क्या बनेगा 3 बनेगा। अब देखो उसने आपसे f(f)(1) की वैल्यू जो पूछी थी, f(1) की वैल्यू क्या थी 3, तो अब लिटरली बेटे f(किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल मैं इसी फॉर्मूले में
इसी में एफ ओफ थ्री की वैल्यू बताऊंगा क्या होती है, 2 × 3 + 1, तो ये बेटे 6 + 1 मेरा रिजल्ट क्या होगा, 7 होगा। इजी क्वेश्चन बेटे होते हैं। अगर उसने ऐसे किया होता, उसने बाई चांस आपसे ये पूछा होता कि एफ ओफ ये बेटे उसने पूछा होता आपसे ये पूछा होता, तो सिंपल कि भाई सिंपल आपने x की जगह 1 फिल करके आपने सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। वो बच्चे कितनी आ गए थे मेरे पास, 3। अब देखो, अब फाइंड क्या करना था, f ऑफ ये बेटे फाइंड करना था। अब आपने f ऑफ 3 f अपना x की जगह बेटे क्या रखना था, 3। तो जब आपने x की जगह 3 रखना था तो आपके पास अब वैल्यू क्या आ गई थी, 7। तो लास्ट में उसने आपसे क्या पूछा था, f ऑफ 7 की वैल्यू बता। तो मैं क्या करता, f ऑफ अब x की जगह 7 फिल कर देना था, 2 × 7 + 1, तो ये बच्चे 14 + 1 कितना हो जाना था मेरे पास भाई, 15। इजी है बेटे, कुछ भी नहीं है, जो आपको बेटे बोल रहा आपने वही बेटे फिल करके अपना आंसर बताते जाना, क्लियर। सो इससे बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो और कोशिश करो बेटे कि 15 ऑनवर्ड अप टू बेटे कहां तक, 20 तक बेटे खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्लियर। 15 से लेकर 20 तक खुद करो, मेरे बेटे मेरे से क्वेश्चन अपने मैच कर लेना कि मेरे सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है बेटे। वीडियो को यहीं पॉज कर लो, मैं बेटे रेज करके आगे मूव करता हूं। ओके, देखो भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता f ऑफ x की वैल्यू बेटे दे रखी हमें 3x की पावर 2, ठीक है। और उसने पूछा क्या भी, f ऑफ x जब क्या बोला, कहता x क्या हो भाई, जब x इक्वल्स टू 2, तो सबसे पहले भाई हमें f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल f ऑफ 2 की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 3 × 2 की पावर 2, 4 × 3 बेटे कितना हो जाएगा, 12। तो अब मैंने क्या करना है, f of 2 की वैल्यू बेटे क्या आ गई, 12। तो मैंने f of अब 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी में बच्चे मैंने f of 12 अब x की जगह बेटे 12 होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 144। सो 3 × 44 हाउ मच भाई, सॉरी 144, 100 × 3 भाई 300, 40 × 3 120, तो 420 हो गया, 420 + 12 हाउ मच, 432 मेरा आंसर होगा बेटे। तो कौन सी ऑप्शन मेरा आंसर होगी, ऑप्शन नंबर बी बेटे। ये था आपका 15 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बेटे, जितना बेटा उतनी बार बोलेगा आपने बेटे वो वैल्यू फिल करके अपने आगे आंसर निकालते जाने, क्लियर। तो वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना, मैं 16 पे मूव करता हूँ, आप बेटे इसको नोट कर लेना। देखो बच्चे 16 क्या है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 2x + 1, और आपको भाई दे रखा है जी ऑफ एक्स दे रखा हुआ, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, और उसने पूछा क्या है आपसे, फाइंड उसने आपसे ये पूछा, फाइंड f ऑफ g ऑफ 3 पूछा, सॉरी क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है। अब देखो भाई सिंपल, सबसे पहले भाई किसको सोल्व करना है, g ऑफ 3 को। अब मुझे पता है x की जगह मैं 3 रखूंगा, यहां पे g ऑफ 3 बेटे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 बेटे क्या, 9। अब देखो मुझे f ऑफ g 3 बेटे मींस कि किसकी भाई, f ऑफ किसकी वैल्यू बतानी है, 9 की वैल्यू बेटे मुझे बतानी है, क्लियर, यही पूछ रहा है। अब मैं x की जगह बेटे क्या रखूंगा, क्योंकि फंक्शन अब पहले था बेटे g का, तो g की x की वैल्यू 3 थी, तो आपने इसमें फिल करे तो 9 बन गया। अब f ऑफ g 3, तो g 3 की बेटे वैल्यू क्या है, 9 निकाली जब हमने, अब f ऑफ 9, अब फंक्शन f में, तो f ऑफ 9 बेटे क्या बनेगा, 2 × 9 + 1 = 18 + 1 = बच्चे कितना बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा। तो 16 का आंसर बेटे क्या होगा, ऑप्शन सी 19 बचे। देखो इजी क्वेश्चन बेटे, जैसे वो बोल रहा है वैसे आपने करते जाना, क्लियर है। इसको बेटे नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूं, 17 पे। इजी क्वेश्चन था बेटे, वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना इसको।
ओके गाइस, तो 17 क्वेश्चन बेटे क्या है, एफ ऑफ एक्स बेटे दे रखा हुआ था तो 3x+2 और बच्चे साथ में दे रखा था एफ ऑफ जी ऑफ वाई, कितना बच्चे ने दे रखा हुआ था 6y दे रखा हुआ था और उसने पूछा क्या है जी वाई की वैल्यू पूछी। ये बेटे एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। अब देखो जनरली बच्चा इसमें बेटे कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं क्या करूं, भैया कुछ भी नहीं करना यार। देखो f ऑफ x इक्वल टू समथिंग दे रखा है और इस पे f ऑफ x की जगह बेटे क्या लिखा हुआ है, जी वाई लिखा हुआ है, तो मैं अब x की जगह क्या लिखने लगा हूं, जी वाई लिखने लगा बेटे, देखना भी। अब देखो मैं x की जगह यहां पे जी ऑफ वाई फिल करने जा रहा हूं सारी इक्वेशन में, तो f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ y प्लस बेटे क्या 9। अब देखो ये भी f ऑफ g ऑफ y, ये बेटे क्या f ऑफ g ऑफ क्या बेटे y, यहां बेटे दे रखा हुआ है कि इक्वल्स इसके बराबर, ये बेटे इसके बराबर है, क्लियर। तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ y प्लस 9 इक्वल्स टू बेटे क्या 6y। उसने मेरे से किसकी वैल्यू पूछी थी, g ऑफ y की वैल्यू पूछी है, सारा बेटे उधर कर दो, इसको बेटे यहां पे रहने दो, तो ये बेटे क्या हो जाएगा 6y, ये प्लस से बेटे उधर हो जाएगा माइनस, ये इनटू था बेटे क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू यहां पे क्या बचा g ऑफ y, तो बेटे डिविजिबल हो रहा है तो बेटे क्या बनेगा 2y-3। तो भी मुझे सिंपल पता लग गया कि मेरी जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होने वाली है 2y-3। इसको करने का बेटे राइट अप्रोच यही थी जो मैंने बेटे यहाँ पे सॉल्व करी है, क्लियर है। इट्स ए गुड क्वेश्चन बेटे, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको वीडियो पोज करके बेटे इसको नोट कर लो। ओके सो अगले लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटे, ये है मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी मॉडुलस को बेटे हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, आपको पता ही होगा बेटे, क्लियर। इतना बेटे नोट कर लो, मैं आगे बेटे आपको बताता हूं। ओके गाइस, तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट 3 में आपको दे रखे हुए हैं। इसमें बेसिकली होता क्या, मैंने पहले लिख रखे हैं, देखो क्या है, जैसे कि आपको 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता है इफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें बच्चे क्या करना होता है कि जब भी हम मॉडुलस को हटाते हैं तो हम इक्वेशन को प्लस माइनस में लिखते हैं, सारी इक्वेशन को नहीं, जिस पे मॉडुलस लगा होगा उस डाटा को आप प्लस और माइनस में लिखते हो। तो जैसे मॉडुलस को उठाया बेटे प्लस माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, एक साइड पे बेटे मैंने प्लस वाला डाटा लिख दिया, एक साइड पे बेटे जब मैंने माइनस वाला डाटा लिख दिया, जब बेटे x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 होगा तो x बेटे क्या होगा 1। जब ये माइनस वाला केस होता, अगर इसके बाद माइनस होता तो माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये माइनस 2 उधर जाके बेटे प्लस 5 होता, बट ये माइनस के कारण x की वैल्यू दूसरी क्या होगी माइनस 5, तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई 1 और माइनस 5, क्लियर। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, उसमें भी आपसे क्या पूछा, सिंपल x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या है 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 5x इक्वल्स टू 8। अब देखो भाई ये इक्वेशन जो होगी ये प्लस माइनस 2 में सारी इक्वेशन है, बस जहां पे मॉडुलस हटाते हो, देखो एक साइड पे मैंने लिखा जब मैंने प्लस में रहने दिया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 5x इक्वल्स टू 8, 3 टाइम्स। अब बेटे यहाँ पे एक बार मैं माइनस का साइन लेके चलूंगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x इक्वल्स टू 8, क्लियर। अब देखो सोल्व करोगे 3x माइनस 6 प्लस 5x इक्वल्स टू 8, तो 8x 14 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 7/4, जब माइनस वाला होगा, देखो माइनस बाई x को माइनस x कर देगा, इस माइनस 2 को बेटे प्लस 2 में कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3x, और 3 इंटू 2 करोगे तो प्लस 6 प्लस 5x इक्वल्स टू 8, 5x में से 3x के 2x बचा, ये 6 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 2x equals to 2, तो x equals to बेटे क्या होगा 1, तो मेरे पास दो रिजल्ट आ गया x के, एक बेटे x की वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू बेटे क्या 7/4। ओके सो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 20th में क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 माइनस 3 equals to 5। मैंने क्या करा, मैंने मॉडुलस को यहीं पे रखा, बाकी सारा डाटा मैंने उस साइड लेके आया, ठीक है, माइनस 3 उस साइड हो गया बेटे प्लस 8,
तो ये 2 into हो रहा था, ये divide हो गया, तो क्या बन गया 4। अब देखो modulus of x plus 4 equals to 4 है, तो एक side पे बेटे modulus वाला plus रहने देता हूँ, एक side पे बेटे क्या कर दिया मैंने minus, so इसका बेटे result आ गया 0 और इसका बेटे result क्या आ गया minus 8। तो मेरे पास दो value आ गई x की, क्या बेटे आ गई 0 और minus 8। होप बेटे आपको सारा पता लग चुका होगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको आज। तो कोशिश करना इसकी जो होम एक्सरसाइज है बेटे उसको ट्राई करना। मैं बार बार बेटे यही बोल रहा हूँ कि क्लास वन जो अलजेब्रा वन था उसकी जो होम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैंक की बात करूँ या मैं स्टेट लेवल एग्जाम की बात करूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई बेटे करना क्लास एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट बेटे मैंने सारी की सारी आपको तीनों वर्कशीट की आपको बता दी है। आपने बेटे क्या करना सारे की सारे बेटे होम एक्सरसाइज करके कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स बेटे इन ग्रुप। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।